हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी ट्यूटर। आज हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 क्या कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं। यानी प्रीवियस क्लास में मैंने लेक्चर नंबर 5 में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस मैंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। और उसमें मैंने आपको अलग अलग टाइप्स के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने क्या किया था, आपको इंट्रोड्यूस किया था। आज वाली क्लास में यानी लेक्चर नंबर 6 में चैप्टर 1 में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2, यानी कि हम उन सारे रूट्स को जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको इन शॉर्ट में डिक्टेट किया था, उनको हम आज डिटेल में क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ईजिली क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग टाइप्स का, जैसे लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टमिक्स रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टमिक्स में इंटीरियर पेरेंट्रल, ये सारे टाइप्स हम लोग क्या कर चुके थे स्टूडेंट, कंप्लीट कर चुके थे। आज वाली क्लास में हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, तो लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आज वाली क्लास में, या दूसरे जो हमारे सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम लोग आज क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पे आते हैं, यानी कि हमारा जो फर्स्ट है जी लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ऐसे रूट जिसके द्वारा ड्रग जो है वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर ना करे, यानी वो ब्लड्स के अंदर यानी ब्लड वेसल्स के अंदर में अगर ड्रग एंटर ना करे तो उसे हम क्या कहते हैं, लोकल रूट्स कहते हैं। दिस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड लेसंस एंड एक्सेसिबल साइट एंड फॉर द ड्रग्स हुज सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन फ्रॉम दिस साइट इज मिनिमल। सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड के अंदर में ड्रग का जाना बहुत कम होगा, और लोकल अप्लीकेशन जैसे मान लो मैं क्रीम यूज किया, पाउडर यूज किया, तो ये लोकल स्किन के केयर के लिए यूज होते हैं, ये ब्लड के अंदर एंटर नहीं करते। जैसे कि मान के चलो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट अप्लाइड एज ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट के रूप में हम क्या कहते हैं, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट को यूज करते हैं, तो ये लोकल रूट्स के अंदर में एंटर हो जाता है। हाई कंसंट्रेशन आर अटेंड एट डिजायर्ड साइट विदाउट एक्सपोजिंग रेस्ट ऑफ द बॉडी। दीज लोकल रूट्स आर टॉपिकल, क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट, जेल, यानी कि लोकल में भी टॉपिकल हो सकते हैं, डीपर टिश्यूज हो सकते हैं, आर्टीरियल हो सकते हैं, ये सब इनके क्या हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इनके एडवांटेजेस क्या है, तो कन्वीनियंट एंड इजी टू अप्लाई। ऑब्वियस सी बात है, आपसे मैं बोलूं पाउडर लगा लो तो एक छोटे बच्चे भी अपनी बॉडी के ऊपर पाउडर लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, ये कन्वीनियंट है यानी सुविधा है इसमें, और इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर स्किन रैशेस और समथिंग ऑफ द सॉर्ट टॉपिकल मेडिकेशन एक्ट लोकली, यानी अगर मान के चलो स्किन में कोई इन्फेक्शन हुआ है, रैसेस हुआ है, तो इसमें ड्रग्स हम टॉपिकली जब अप्लाई करते हैं तो वो बेहतर रिजल्ट देते हैं। अप्लाइड करने पर आपको क्या मिलेगा जी, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, इसके बजाय कि आप कोई टेबलेट खाइए पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, इसके बजाय हम क्या करते हैं उसको टॉपिकली, जैसे मान के चलो मेरे स्किन पे एक इन्फेक्शन हुआ, मैं यहाँ पे मेडिसिन लगा लिया, तो ये केवल इस एरिया में क्या करेगा, एक्शन दिया, उसके बजाय अगर मैं एक टेबलेट खा लूं तो पूरी बॉडी में जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, देन एक्सक्रीशन होगा, इतने सारे प्रोसेसेस चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए लोकल रूट्स में ये इंपॉर्टेंट है। देयर इज ऑल्सो अ स्मॉलर चांस ऑफ हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, यानी एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए, साइड इफेक्ट की बात की जाए, तो वो भी इन ड्रग्स के साथ, यानी जो लोकल रूट्स के साथ हम ड्रग्स यूज करते हैं उसमें आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है, तो मे कॉज स्किन इरिटेशन, हो सकता है स्किन पे अप्लाई करते हैं स्किन में इचिंग होना स्टार्ट हो जाए, इरिटेशन स्टार्ट हो जाए। पॉसिबिलिटी ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, समटाइम्स कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं, क्रीम्स ऐसे होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। अब आते हैं इनके टाइप्स पे, यानी कि लोकल रूट्स में भी टॉपिकल है, डीपर टिश्यूज है, आर्टीरियल है। अब इनको डिटेल में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिकल में क्या करा जी, ड्रग अप्लाई टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट फॉर लोकल एक्शन। टॉपिकल में हम स्किन पे या म्यूकस जैसे मान के चलो आपके छाले हो गए, तो उसमें हम क्या करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे ड्रग्स को यूज करते हैं। अप्लाई टू स्किन, नेजल, आईज, ईयर, एनाल, वजाइनल कनाल, इन सब पे ड्रग्स को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आयोडीन है, लिडोकेन है, सालब्यूटामॉल है, क्रोमोलाइन सॉल्यूशन है, ये सब क्या है, टॉपिकल रूट है, जो आपके आईज पे, ईयर्स पे, नोज पे, इन सब में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं।
डीपर टिश्यूज में सर्टेन डीप एरियाज कैन बी अप्रोच्ड बाय द यूजिंग अ सिरिंज एंड नीडल बट द ड्रग शुड बी इन सच अ फॉर्म दैट सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन इज स्लो। ड्रग का सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। ड्रग्स जो है वो क्या होगा जी, बॉडी में अब्जॉर्ब यानी ब्लड के अंदर में ड्रग्स जो है वो कम पेनिट्रेट करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलर, यानी सेकंड इंट्रा आर्टिकुलर में क्या है, प्लेस्ड इनटू जॉइंट। वैसे ड्रग्स जो दो हड्डियों के बीच में लगाए जाते हैं लेकिन ब्लड में नहीं जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल हाइड्रोकॉर्टिसोन इन नी जॉइंट, नी यानी घुटनों के जॉइंट्स में हाइड्रोकॉर्टिसोन दिए जाते हैं, तो ये क्या है इंट्रा आर्टिकुलर। तो इंट्रा आर्टिकुलर का सिंपल मतलब क्या है कि वैसे ड्रग्स जिनको हम कहां पे प्लेस करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, कहां पे एडमिनिस्टर करते हैं, दो जॉइंट्स के बीच में। इंट्राथीकल इंजेक्शन, ड्रग इंजेक्टेड इनटू स्पाइनल और सब अरेचनॉइड स्पेस, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं पीछे वाले उनमें हम क्या करते हैं ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, यूजफुल इन स्पाइनल एनेस्थीसिया, कीमोथेरेपी, इन सब में यूज किया जाता है। लिडोकेन जैसे आपका ड्रग है इसको हम इंट्राथीकल कहते हैं। नेक्स्ट है रेट्रोबल्बुलर, ये ड्रग्स गिवन बिहाइंड द आईबॉल, आईबॉल्स के पीछे दिया जाता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। आर्टीरियल सप्लाई यानी इंट्रा आर्टीरियल में क्या है, ड्रग्स इंजेक्टेड इन टू द आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर में मैलेग्नेंसी यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट में ड्रग्स को हम यूज करते हैं। तो लोकल रूट्स का मतलब है वैसे ड्रग जिनका सिस्टमिक यानी ब्लड के अंदर में अब्जॉर्प्शन ना हो या तो हो भी तो बहुत कम हो। इसमें मैंने आपको टॉपिकल रूट बताया, टॉपिकल में फिर हम लोग इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल, रेट्रोबल्बर और इसके अलावे आर्टेरियल सप्लाईज को क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ सिस्टमिक, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट, तो सर अब हम लोग सिस्टमिक्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, यानी सिस्टमिक्स टाइप्स जितने हैं उनको अब हम लोग क्या करने वाले हैं जी, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे एंटर कर रहे हैं, दैट इज द सिस्टमिक्स रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। क्या कह रहा है जी, सिस्टमिक्स में भी टू टाइप्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, इंटीरियल और एक पैरेंटरल। इंटीरियल में क्या है, ओरल रूट, ओरल मतलब जो माउथ के द्वारा इनटेक किया जाए, अपने मुंह के द्वारा जो इनटेक किया जाए। लाइक ओरल इंजेक्शन इज द ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पुराना अगर मैं बात करूं तो लोग मुंह के द्वारा ही ओरली ही ड्रग को क्या करते थे, अपनी बॉडी के अंदर में एडमिनिस्टर्ड करते थे। तो ओल्डेस्ट है, सेफ है, मोर कन्वीनियंट यानी यह भी आसान है, नो नीड टू असिस्टेंस, ऐसा नहीं कि चार लोग लगेंगे तब आप खाओगे, नहीं आप खुद से भी टैबलेट खा सकते हो। नॉन इनवेसिव है, ऑफन पेनलेस, दर्द भी नहीं होता है और चीपर यानी सस्ता भी होता है, बहुत सस्ती मेडिसिन होती है, ठीक है। तो ये सब इनके एडवांटेजेस में आ सकते हैं या तो हम कह सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज है। द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज अब्सॉर्ब्ड अक्रॉस द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेस इन ब्लड इन अनचेंज फॉर्म, यानी मान के चलो मैंने 100 mg टैबलेट खाया, उसमें से ब्लड में कितना गया 80 mg, तो 80% ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी हुई, 20 mg ड्रग ब्लड में गया ही नहीं। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि कितना प्रतिशत ड्रग आपके ब्लड के अंदर में एंटर किया। तो ये ओरल रूट से ना बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, मतलब ऑब्वियस ही बात है आप जितना टेबलेट खाओगे वो सबके सब तो ब्लड में नहीं जा सकता, कुछ अमाउंट जो है वो ब्लड में नहीं भी जा सकते, कुछ अमाउंट जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा सकता है, यानी ड्रग पहले ही क्या हो जाएगा बॉडी से मेटाबोलाइज हो सकता है। इनके एडवांटेजेस क्या है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को कि मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये सब क्या होते हैं। एडवांटेज क्या है, तो सर सस्ता है यानी चीपर है, पेनलेस यानी दर्द नहीं होता है, खुद ही हम ले सकते हैं यानी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, कन्वीनियंट यानी आसान है, रिपीटेड यानी कि लंबे समय तक आप उसको यूज कर सकते हो। इंजेक्शन में क्या होता है, डर लगता है, एक बार इंजेक्शन ले लिए फिर दोबारा लेने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन टैबलेट आप खा सकते हो। वेरी कन्वीनियंट, बहुत आसान है, छोटे बच्चे भी इसको ले सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है, तो नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी और ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, यानी ड्रग अगर इमरजेंसी की बात की जाए तो देखो टैबलेट के साथ क्या होता है कि अगर मैंने टैबलेट खाया तो 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे 15 मिनट के बाद एक्शन मिलेगा, और मान के चलो मुझे 1 मिनट के अंदर एक्शन चाहिए तो टैबलेट आप नहीं दे सकते। अगर मान के चलो कोई पेशेंट अनकॉन्सियस है, बेहोश है, तो उस केस में आप टैबलेट नहीं दे सकते, ओरल रूट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम लेगा और अनकॉन्सियस यानी जो बेहोश है वो तो आपको ले ही नहीं सकता इस मेडिसिन को, क्योंकि वो होश में है ही नहीं, तो वो कैसे मेडिसिन को अंदर निकलेगा, है ना। इसमें अब सेकेंड टाइप पे आते हैं, यानी ओरल में अब हम लोग कहां पर आते हैं, तो सर सेकेंड टाइप
दैट इज द सबलिंगुअल रूट। कहां पर आ जाते हैं हम लोग? सबलिंगुअल रूट पे आ जाते हैं। सबलिंगुअल मतलब देखिए डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है कि टंग्स के नीचे टैबलेट को रखा गया है, यानी जो हमारा जीव है यानी टंग्स है, टंग्स के नीचे ड्रग को हम रखते हैं और वो ड्रग्स क्या होता है, हम चूसते हैं उसको यानी डिसॉल्व करते हैं और फिर वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है। तो सिंपली क्या है, दिस डोजेज फॉर्म इज प्लेस्ड अंडर द टंग, टंग के नीचे टू डिसॉल्व इन द माउथ कैविटी, और माउथ के अंदर ही ये ड्रग डिसॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद ड्रग अब्सॉर्ब हो जाते हैं कहां पर, म्यूकोसा यानी कि हमारे ब्लड के अंदर। और उसके बाद इसका एग्जांपल क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन जो एंजाइना के केस में यानी एंजाइना पैक्टोरिस हमारा एक बीमारी है हार्ट से रिलेटेड, ये भी हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में आने वाले चैप्टर्स में। तो उसमें ये क्या करते हैं, ड्रग्स को यूज किया जाता है इस रूट से। एडवांटेज क्या है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, बहुत जल्द एक्शन मिलेगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ड्रग नहीं जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, अनपैलेटेबल, यानी अगर मान लो बीटर ड्रग है यानी टेस्ट जिसका बहुत खराब है, तो उन ड्रग्स को आप माउथ में रखोगे और टेस्ट खराब रहेगा तो आप दोबारा आपको लेने की हिम्मत नहीं होगी, आप क्या होगा, यार बहुत खराब कड़वा टेस्ट है मैं नहीं खाऊंगा इसको, तो ये इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। ओनली फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब, और कुछ ही ड्रग्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी भी ड्रग्स को सबलिंगुअल रख सकते हैं, यानी कोई टैबलेट है और हमने यहीं पे चूस के खा लिया, ऐसा नहीं, ये भी सारे ड्रग्स के साथ नहीं, कुछ ही ड्रग के साथ आपको ये देखने को मिलेंगे। अब आते हैं इसी रूट में रेक्टल, रेक्टल मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा एनल कैनाल होता है, यानी जो हमारा ये इंटेस्टाइन्स है, इस इंटेस्टाइन्स में ये जो एनल कैनाल है, तो इस एनल कनाल्स के द्वारा ड्रग को हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है जी, ड्रग्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड, रेक्टम्स के थ्रू यानी एनस के थ्रू क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सपोजिटरी उस मेडिसिन को कहा जाता है, सपोजिटरी क्या है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, इट कैन बी यूज फॉर द लोकल इफेक्ट एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट, एग्जाम्पल इंडोमेथासिन, ये सब क्या है जी, रेक्टल रूट से हम दे सकते हैं। इनेमा एक थेरेपी है, इनेमा में क्या करते हैं, तो हम इस ड्रग्स को यहां से हम पेनिट्रेट करवाते हैं, तो इनेमा इज द इंजेक्शन ऑफ लिक्विड इन द रेक्टम एंड इनेमा कैन बी यूज फॉर द लोकल इफेक्ट एज वेल एज द सिस्टमिक इफेक्ट, यानी हम इंजेक्ट करते हैं मेडिसिन को रेक्टम वाले एरिया से, जैसे यहां पर दिखाया जा रहा है कि ये जो हमारा एनल कैनाल है इसमें मेडिसिन को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, तो सर यूजफुल है चिल्ड्रेंस के लिए, अडल्ट के लिए, छोटे बच्चों में जिनको टैबलेट खाने में दिक्कत होती है या जिनको पोटी वगैरह नहीं होती तो उनको डॉक्टर देते हैं, ठीक है। वैसे यूज इन द केस ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के केस में, क्योंकि अगर आप ओरल रूट से लेते हो मेडिसिन को और वॉमिट कर दोगे तो मेडिसिन बाहर आ जाएगा, इसलिए उस केस में भी हम रेक्टम रूट से ड्रग को देते हैं। हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रॉपर्टी अचीव, ड्रग की हाई कंसंट्रेशन प्रॉपर्टी क्या करते हैं, हम अचीव करते हैं इस रूट के द्वारा। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई उसका, तो सर डिसएडवांटेजेस है, इरिटेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, यानी जो आपका रेक्टम एरिया है, एनस कैनाल है, उसमें इरिटेशन हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन इज स्लो ऑफ दिस रूट एंड इरेटिक, एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो सकता है और इरेटिक्स हो सकते हैं। क्यूटेनियस की अगर बात की जाए, तो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, यानी क्यूटेनियस रूट की बात की जाए, क्यूटेनियस मतलब हमारे जो लेयर हैं, जो हमारे एपिडर्मल्स लेयर हैं, जो हमारे जो स्किन्स लेयर हैं, उनकी बात हो रही है, तो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन, लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड यूज करने के लिए हम बेसिकली इस लेयर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग कैन बी इनहेंस बाय द रबिंग एंड प्रिपरेशन बाय यूजिंग एन ऑयली बेस एंड बाय एन ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, हम क्या करते हैं क्रीम्स को लेकर के इसको रब करते हैं स्किन पे, इसको क्या करते हैं घिसते हैं ताकि उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो। वैसे ही आपका क्या है जी, पैरेंटल रूट है, पैरेंटल मतलब जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो द टर्म्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैर मतलब बियॉन्ड एंड इंटोन मींस आउटसाइड यानी इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन्स के बियॉन्ड, हम इंजेक्शन कभी भी लगाते हैं तो वहां हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन्स में ड्रग नहीं जाता, डायरेक्ट ब्लड में हम क्या करते हैं ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं। तो पेरेंटल ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द विंस, विंस के अंदर में यानी कि जिसमें ब्लड भरे होते हैं उनमें हम ड्रग्स को क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं, साथ ही साथ में मसल्स में करते हैं या अंडर द स्किन यानी स्किन के अंदर इसको क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू सच एज स्पाइनल कॉर्ड, और या तो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में हम क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं। यानी इंजेक्शन कहां कहां लगता है ये पॉइंट याद रखिए, तो सर इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, आपका इंट्राथीकल हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि सर कितने टाइप्स के हैं और कहां कहां पर ये हम इनको यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए आपका फर्स्ट टाइप है जी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स में सबसे पहले बता रहा हूं,
इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रामस्कुलर मतलब डायरेक्ट 90 डिग्री के एंगल से डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे हम इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन को, ठीक है। सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस जो होता है वो 45 एंगल से जाता है सबक्यूटेनियस वाले लेयर में। इंट्रावेनस 25 डिग्री सेल्सियस से वेंस के अंदर लेकर के जाते हैं यानी ब्लड वेसल्स में। और इंट्राडर्मल 10-15 डिग्री से हम कहां पर लेकर के जाते हैं, डर्मिस लेयर में, यानी ये हमारा स्किन है सर, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, देन डर्मिस लेयर, देन सबक्यूटेनियस, देन मसल्स। क्लियर हो गया। तो ये चार टाइप ऑफ मेनली हमें पेरेंटल ट्रक्ट पढ़ने होते हैं, एक होता है इंट्रामस्कुलर, एक होता है सबक्यूटेनियस, एक होता है इंट्रावेनस और एक होता है इंट्राडर्मल। द पेरेंटल यूज फॉर द ड्रग फ्लूड हुज डिलीवरी डजंट यूटिलाइज द एलिमेंट्री कैनाल फॉर एंट्रिंग इनटू द बॉडी टिश्यू, यानी वैसे रूट जिसमें ड्रग एलिमेंट्री कैनाल में नहीं जाता। एलिमेंट्री कैनाल मतलब सिंपली डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो पाचन तंत्र होते हैं उसमें अगर ड्रग्स नहीं जाता तो उसको हम पेरेंट्रल कंसीडर करते हैं। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजेक्शन और इन्फ्यूजन बाय मींस ऑफ नीडल और कैथर इंसर्टेड इन द बॉडी। बेसिकली हम इंजेक्शन के फॉर्म में ड्रग्स को क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर में इंटर करते हैं। पेरेंटल आर स्टेराइल सॉल्यूशन सस्पेंशन और ड्रग इन एक्वस ऑयली व्हीकल। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वैसे ड्रग जिसमें एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, कोई बैक्टीरिया वायरस ना हो। तो ये याद रखना किस रूट से, किस एंगल से, किस ड्रग्स को हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं, किस केस में, पेरेंटल के केस में। क्लियर। तो अब हम लोग कहां पर आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी टाइप्स इज गिवन बिलो। इंट्रावेनस अभी डायग्राम्स में हम लोगों ने देख लिया था, वेंस में जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रग्स आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द वेंस, वेंस में हम ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं। एडवांटेज क्या है, बायो अवेलेबिलिटी 100%। अब देखो ड्रग का ब्लड के अंदर में जाना उसी को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं सिंपल भाषा में। तो मैं अगर ब्लड में डायरेक्ट ड्रग को भेज रहा हूं, यानी कि जितना मैंने ड्रग लिया वो सबके सब ब्लड में, तो हम क्या कहेंगे कि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 100%। तो याद रखना है इंट्रावेनस रूट में स्टूडेंट ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, बहुत फास्ट एक्शन देगा। रूट ऑफ च्वाइस इन इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में इसको ड्रग ऑफ रूट ऑफ च्वाइस यूज करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, तो वंस द ड्रग इज इंजेक्टेड इट्स एक्शन कैन नॉट बी हॉल्टेड। एक बार ड्रग अगर आपने इंजेक्ट किया तो इसके एक्शन को आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर में ड्रग डायरेक्ट एंटर हो चुका है। क्लियर, ये इनका ड्रॉबैक है। लोकल इरिटेशन हो सकता है, पेन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, जहां इंजेक्शन लगेगा वहां दर्द हो सकता है। अब इसके सेकंड टाइप आते हैं इंट्रामस्कुलर, ड्रग्स इंजेक्ट इनटू द लार्ज मसल्स, मसल्स के अंदर में हम ड्रग्स को क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं, जैसे पैरासिटामोल हो गया, डाइक्लोफेलैक्स हो गया, ये सब हम क्या करते हैं, तो सर डायरेक्ट मसल्स में हम ड्रग्स को क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी इंट्रामस्कुलर्स में आपको क्या है, तो मसल्स यानी आप देखते होंगे वैक्सीन वगैरह जो आपके लगते हैं ये सब इंट्रामस्कुलर्स में है। तो ड्रग्स आर इंजेक्टेड इन द लार्ज मसल सच एज डेल्टोइड, ग्लूटियस, इन सब के अंदर में क्या करते हैं, देते हैं पैरासिटामोल, इनके एग्जांपल्स। एडवांटेजेस क्या है, तो रैपिड एब्जॉर्प्शन, यानी कंपेयर टू ओरल रूट इनका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। ड्रग ब्लड के अंदर में बहुत फास्ट एंटर करते हैं। माइल्ड इरिटेंट, बहुत कम आपको इरिटेशन होगा या तो दर्द भी बहुत कम होगा। डिसएडवांटेज क्या है, तो एसेप्टिक कंडीशंस आर नीडेड, यानी कि बहुत साफ सुथरा इंजेक्शन, नए इंजेक्शन, नए नीडल्स की जरूरत होती है। जिस एरिया में आप लगाओगे उसको पहले स्टेराइल करोगे तो देखते होगे डॉक्टर पहले उसको साफ करते हैं उसके बाद इंजेक्ट करते हैं। पेनफुल यानी दर्द होगा जी। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, आप खुद से इंजेक्शन नहीं ले सकते, आपको किसी की हेल्प की जरूरत होगी। देयर मे बी इंजरी इन द नर्व, हो सकता है इंट्रामस्कुलर देने के टाइम में न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं जिससे बॉडी पैरालाइज भी कर सकता है। ये इनके क्या है, तो सर ये इनके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल, डर्मिस लेयर के अंदर में लेकर के जाना, जैसे कि यहां पर देखिए ये डर्मिस लेयर है, वहां पर इंजेक्ट किया जा रहा है। इंसुलिन वगैरह बेसिकली जो लिए जाते हैं वो आपको इसी रूट से होते हैं। द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द डर्मिस जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। बैसिलस, ये जो आपका बीसीजी का वैक्सीन होता है वो यहीं पे दिया जाता है, ठीक है। इट इज पेनफुल एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ द ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, यानी कुछ ही अमाउंट के ड्रग इसमें एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं। सबक्यूटेनियस में क्या होगा, सबक्यूटेनियस लेयर में ड्रग को दिया जाएगा थाई वाले रीजन में, बेसिकली इंसुलिन यहां पर आएंगे किसमें, सबक्यूटेनियस में। यहां पर इंट्राडर्मल में बीसीजी का वैक्सीन लगा जाता है और थाई वाला जो मसल्स है हमारे, जांघ वाला जो मसल है उनमें हम क्या करते हैं सबक्यूटेनियस उसको यूज करते हैं। एब्डोमेन्स, आर्म, एड्रिनलिन या इंसुलिन इस रूट से दिए जाते हैं।
एडवांटेजेस क्या है, तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, यहां पर आप खुद से दे सकते हैं। तो जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, खुद से उसको इंजेक्शन के फॉर्म में ड्रग्स को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, कौन से रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से। ठीक है, तो डिपॉट प्रिपरेशन अवेलेबल है। डिसएडवांटेज क्या है, सुटेबल ओनली फॉर नॉन इरिटेंट ड्रग, यानी वैसे ड्रग जो इरिटेशन कॉज ना करे उन ड्रग्स के लिए ही केवल ये क्या है, रूट्स जो है वो सुटेबल्स होते हैं स्टूडेंट, बाकी सबके लिए ये रूट्स सुटेबल्स नहीं होते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ट्रांसडर्मल ड्रग इज गिवन एज अ डर्मल पैचेस और ऑइंटमेंट दैट डिलीवर ड्रग इनटू द सर्कुलेशन फॉर द सिस्टमिक इफेक्ट। ट्रांसडर्मल का मतलब जैसे देखियो, इनके इनके बैक साइड पे ये लगा दिया गया पैचेस, ताकि वो ड्रग स्लोली रिलीज होते रहे। जैसे मान लो सुबह लेना है, दोपहर लेना है, हर दो घंटे में टैबलेट लेना है, तो इससे क्या होता है, इंसान जो है वो इरिटेट हो जाता है कि यार इतने बार हम टैबलेट कहां से खाएंगे। तो उनके लिए उनको क्या किया जाता है, पैचेस लगा दिए जाते हैं। ये ड्रग स्लोली स्लोली रिलीज होते जाएगा और इंसान को डोज बार बार लेने की जरूरत नहीं होती, उसी को हम ट्रांसडर्मल कहते हैं। सो पोलामाइन का आपको आता है मोशन सिकनेस में, यानी जैसे मान लो किसी को वॉमिटिंग हो रही है, मोशन सिकनेस मतलब आप गाड़ी पे बैठ गए, जैसे ही ट्रैवलिंग करना शुरू किया वॉमिटिंग होना शुरू हो गया, तो उनको बेसिकली ट्रांसडर्मल पैचेस लगा दिए जाते हैं ताकि आप गाड़ी पे बैठोगे तो वॉमिटिंग नहीं हो। ठीक है, स्लोली स्लोली रिलीज होगा। नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस है ऑइंटमेंट एंजाइना पेक्टोरिस के केस में, एस्ट्रोजन पैचेस है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, ये सब में ट्रांसडर्मल यूज होते हैं। इनहेलेशनल, इनहेलेशन का मतलब इनहेल करना, जैसे ये बेबीज इनहेल कर रहा है, नाक के अंदर दवाई लगेगी और वो उसको सूंघेगा, जैसे हम ऑक्सीजन को ब्रीद करते हैं, इनहेल करते हैं, तो इनहेलेशनल रूट के मतलब है कि आप उसको ड्रग को क्या करोगे, अपने अंदर इनहेल करोगे। तो वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस आर गिवन बाय द इनहेलेशनल फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। जनरल एनेस्थेटिक ड्रग जो होता है, यानी जो बेहोश करने वाली दवाइयां होती है, वो इस रूट से दिए जाते हैं। एडवांटेज क्या है, क्विक है, बहुत जल्द एक्शन देगा, आप लोगे और एक्शन मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड कैन बी रेगुलेटेड, जो अमाउंट है वो रेगुलेट होगा। डोज रिक्वायर्ड इज वेरी लेस, सो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इज मिनिमाइज। डोज रिक्वायर्ड जो है वो बहुत ही कम है, बहुत लेस है, इसलिए टॉक्सिसिटी बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो लोकल इरिटेशन, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, यानी एयर पैसेस कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ये सब आपको डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। इंट्रानेजल की बात की जाए तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज अब्सॉर्ब ड्रग्स बाईपास गैस्ट्रिक जूस एंड लीवर, यानी कि इंट्रानेजल मतलब नाक में हम मेडिसिन डालते हैं, ड्रॉप्स वगैरह के फॉर्म्स में भी हम देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हमने ड्रॉप्स के फॉर्म में इंट्रानेजल दिया। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया, डेस्मोप्रेसिन होगा, ये सब मेडिसिन हम इस रूट से देते हैं। नेक्स्ट इंट्राथिकल रूट, ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सब अरेचनॉइड स्पेस, यानी स्पाइनल एनेस्थेटिक जैसे लिग्नोकेन, ये इंट्राथिकल, थिकल मतलब यहां पर देख रहे हैं ये जॉइंट्स के बेस पर, ये जो दो जॉइंट्स के बीच में देना, इसे हम क्या कहते हैं, इंट्राथिकल कहते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर रूट, वही डायरेक्टली इन टू द जॉइंट, जॉइंट्स में ड्रग का देना। इंट्रा आर्टिकुलर स्टार्टिंग में भी आपको मैंने बताया हाइड्रोकॉर्टिसोन्स वगैरह दिए जाते हैं। तो ये आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अपना क्या हो गया स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया। यानी जो अलग अलग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, इन शॉर्ट में मैंने आपको क्या किया, डिक्टेट किया है कि लोकल रूट्स क्या है, लोकल में टॉपिकल क्या है, इंट्रा आर्टिकुलर क्या है, इंट्राथिकल क्या है, रेट्रोबल्बर बल्बुलर क्या है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि सिस्टमिक में भी आपको इंटीरियल और पेरेंट्रल्स क्या है, इंटीरियल्स में भी अलग अलग टाइप्स मैंने बताया, पेरेंट्रल में इंट्रावेनस क्या है, इंट्रामस्कुलर क्या है, सबक्यूटेनियस क्या है, इंट्राथिकल्स रूट क्या है, ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने क्या किया, इन शॉर्ट में डिस्कस किए हैं। इन्हीं सारे वीडियोस को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारी जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाकर के हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहां पर रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और इन वीडियोस को बहुत ही डिटेल में क्या कर सकते हैं, वहां पर पढ़ सकते हैं, हर एक लाइंस को बहुत अच्छे से हम वहां पर क्या करते हैं, डिक्टेट करते हैं। साथ ही साथ में ये सारे कंटेंट अगर आप इजिली अवेलेबल चाहते हैं या हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं तो आप जीडीसी पब्लिकेशन की फार्माकोलॉजी की बुक्स को भी क्या कर सकते हैं, जीडीसी क्लासेस ऐप से डाउनलोड करके जीडीसी से ये बुक्स आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो हम सभी के पास जीडीसी क्लासेस ऐप तो जरूर होना चाहिए और वहां पर जो आपसे रिलेटेड जो कोर्सेस चलते हैं उन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इवन आप बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं और आप अपनी फार्मा प्रोफेशंस को अपग्रेड करने में और फार्मा को यानी आप डी फार्मा के नॉलेज को बुस्टअप करने में क्या कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स के बुक्स वहां पर अवेलेबल है, सारे वीडियोज अवेलेबल है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन for watching GDC Tutor and supporting GDC Tutor. Thank you once again.